नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूँ डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सके, एक बीमारियों से दूर रहकर जीवन जी सके, क्योंकि आज के समय में बीमारियों से दूर रहना अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं हमारे साथ और आपको बताते हैं कि कैसे आप सावधानियां बरतें, किस तरीके से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और आज भी हम हाजिर हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम को लेकर आप सभी के बीच, और आज भी हम चर्चा करेंगे आपकी सेहत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आप तक पहुंचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। पर उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारी इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर हेमंत गोयल जो कि कैंसर सर्जन है, इसके साथ ही सन कैंसर सेंटर यानी बाग फरजाना से यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताने के लिए कि कैसे कैंसर जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं, क्योंकि आज के समय में भी कैंसर को एक गंभीर, एक बड़ी बीमारी के रूप में देखा जाता है। इस बीमारी से आप कैसे बचें, क्या क्या जानकारियां आपको होनी चाहिए, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि डॉक्टर हेमंत गोयल जो कि एम्स में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं लगभग 12 साल तक, और अब वो आगरा में अपनी सर्विस यानी आगरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को स्वस्थ करने में जुटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ अपनी चर्चा शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले आज बात कर रहे हैं हम कैंसर के ऊपर, तो एक अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कैंसर के बारे में कितने लोग आज भी जागरूक हैं? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को कभी भी अपनी जकड़ में ले सकती है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और हमारे इलाके में तो खास तौर से युवाओं में और कम उम्र के लोगों में मुंह का कैंसर बहुत अधिक देखने में दिखाई देता है, और इसी के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। जी, तो डॉक्टर साहब, यानी आज भी कैंसर को एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में, बहुत गंभीर और एक जानलेवा बीमारी के रूप में देखा जाता है, क्या सच में कैंसर एक जानलेवा बीमारी है? कैंसर अपने आप में एक जानलेवा बीमारी नहीं है। यदि कैंसर का इलाज ना किया जाए, लंबे समय तक उसको छोड़ दिया जाए, तो अंत में जाकर यह बीमारी जानलेवा हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर कैंसरों का समय पर इलाज होने से इससे जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे मुंह के कैंसर को लेकर आज हम ये बात करेंगे, क्योंकि मुंह के कैंसर के बारे में उनके पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, और लगभग अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में इस तरीके के काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो ओरल कैंसर से ग्रसित हैं। क्या है ये ओरल कैंसर? ओरल कैंसर को यदि हम सामान्य भाषा में देखें तो मुंह के हिस्से में होने वाला कैंसर है, जो कि आपकी जीभ पर हो सकता है, आपके होंठ पर हो सकता है, गालों में हो सकता है या जबड़ों में हो सकता है। इस इलाकों में होने वाले कैंसर को ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर कहा जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर जैसे आपने बताया कि मुँह के अंदर हो सकता है, छाला बन सकता है, जीभ पर हो सकता है, तो क्या कोई भी छाला मुँह का कैंसर हो सकता है? सामान्यतः 1000 में से मात्र एक छाला ही मुंह के ओरल कैंसर बन सकता है। ज़्यादातर छाले नॉर्मल होते हैं, जो हम लोगों को आमतौर पर होते रहते हैं और 2-4-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। विशेषकर गौर करने वाली बात है, जो कैंसर का छाला होता है ये लंबे समय तक होता है, 4 से 6 महीने या 2-3 महीने तक, और इसमें कोई दर्द नहीं होता, विशेषकर शुरुआत में। ये इसके खास लक्षण होते हैं। तो लगभग अगर हम माने किसी भी उम्र में अगर कोई इस तरह का छाला हो तो वो कैंसर होने की संभावना रहती है? अगर लंबे समय तक कोई भी छाला है जो ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। वे लोग जो तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं, उन लोगों को इस बारे में विशेष ख्याल रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा गया है कि बच्चों को भी छाले हो जाते हैं, और जब बच्चों के छाले होते हैं, ठीक होते हैं, फिर होते हैं, ठीक होते हैं, तो क्या इस तरीके से भी कैंसर होने की संभावना? ये जो छाले होते हैं नॉर्मली हर किसी को हो सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को। ये जो छाले जो आमतौर पर बनते हैं 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, इनमें बहुत दर्द रहता है, ये छाले कैंसर के छाले नहीं होते हैं, और इनसे किसी तरह से नहीं घबराना चाहिए। डॉक्टर को तभी दिखाना चाहिए जब कोई छाला 1 महीने से अधिक समय तक ठीक ना हो। जी, तो इसके साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल जो कि कैंसर सर्जन हैं। आज आपको बता रहे हैं मुंह के कैंसर यानी ओरल कैंसर के बारे में
किस किस तरीके से ओरल कैंसर हो सकता है, किस पार्ट में ओरल कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये मुंह का कैंसर है तो अगर कोई छाला, डॉक्टर साहब ने बताया, जो लंबे समय तक बना हुआ है, एक महीने या उससे अधिक समय तक कोई छाला बना हुआ है आपके मुंह में, तो वो ओरल कैंसर का एक कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहा है वो आपको कि आपको आगे चल के मुँह का कैंसर हो सकता है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई छाले की, अगर किसी के गले में गांठ हो या कहीं गांठ आ जाए, क्या वो गांठ भी कैंसर हो सकती है? गांठ कैंसर का प्रारंभिक लक्षण कुछ लोगों में पाया जाता है। आमतौर पर गांठ में जब कैंसर पहुंचा है तो मुंह के किसी हिस्से से फैलकर पहुंचा है, तो मुंह के अंदर कोई ना कोई छोटी छाला या कोई चीज़ होगा जिससे वो गले में पहुंचा है, और गले की गांठ भी कैंसर का संकेत हो सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि किसी ना किसी तरीके से मुंह के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो कि जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं मुंह के द्वारा और हम लोग जितने भी पदार्थों का सेवन करते हैं मुंह के द्वारा, तो ऐसा क्या हम लोग खा लेते हैं जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें आती हैं? ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर के बहुत ही वेल डिफाइंड रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन। जो हम गुटखा, खैनी, सुपारी, तंबाकू खाते हैं, ये 100 में से 90% टाइम यही कैंसर का कारण होता है। लंबे समय तक गुटखा, तंबाकू, सुपारी खाने से कैंसर होने की संभावना नॉर्मल आदमी के गुना तकरीबन 20 गुना ज़्यादा रहती है। साथ में शराब का सेवन इस खतरे को और अधिक बढ़ा देता है। जी, तो डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है, लोग कहते हैं कि हम तंबाकू नहीं खाते, हम पान मसाला खाते हैं, तो पान मसाला तो कोई तंबाकू का फ्लेवर नहीं है, क्या उससे भी कैंसर हो सकता है? पान मसाले के अंदर भी तंबाकू नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको कैंसर कर सकते हैं, तो किसी भी तरह के तंबाकू, पान मसाले, सुपारी आदि से बचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपने बताया मुंह के कैंसर के बारे में कि तंबाकू, सुपारी, इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो मुंह का कैंसर करने में या उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। धूम्रपान की अगर बात की जाए तो धूम्रपान का मुंह के कैंसर से कोई संबंध है? धूम्रपान का भी मुंह के कैंसर से संबंध है, लेकिन रिस्क टोबैको का चू करना या तंबाकू खाने से रिस्क ज़्यादा होती है, लेकिन तंबाकू और धूम्रपान दोनों करते हैं तो रिस्क कम से कम 8 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, इसके साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो आपको बता रहे हैं ओरल कैंसर के बारे में, मुँह के कैंसर के बारे में, किस तरीके से मुँह का कैंसर होता है, तंबाकू, धूम्रपान का सेवन करना, धूम्रपान करना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, इस तरीके के पदार्थों का अगर आप सेवन करते हैं तो आप ज़्यादा प्रोन हैं मुंह के कैंसर होने के, आपके पास आपकी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं मुंह का कैंसर होने के, और कहीं ना कहीं इसका अंत एक मुंह के कैंसर के रूप में सामने आता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का ये एक परिणाम होता है, क्योंकि आप लगातार अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, क्या हर व्यक्ति जो तंबाकू का सेवन करता है, जो धूम्रपान करता है, उसको आगे चल के कैंसर ही होगा? नहीं, ये बात तय नहीं है कि हर व्यक्ति को होगा। इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग सड़क पर बहुत सारे लोग रैश ड्राइविंग करते हैं या तेज़ ड्राइव करते हैं, हर किसी का एक्सीडेंट तो नहीं होता, लेकिन जो तेज़ ड्राइव कर रहा है या रैश ड्राइव कर रहा है उसको रिस्क ज़्यादा है। इसी तरह से तंबाकू का सेवन करने, धूम्रपान करने से कैंसर होने की रिस्क आपको नॉर्मल आदमी से बहुत ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है जो लोग तंबाकू खाते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया तंबाकू के सेवन से भी कैंसर होता है, उनका मुंह धीरे धीरे बंद हो जाता है और खुल ही नहीं पाता, तो क्या ये कंडीशन या ये लक्षण कैंसर का हो सकता है? इस कंडीशन को जब मुंह नहीं खुलता उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये अपने आप में कैंसर नहीं होती, लेकिन सब म्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर 10 से 15% चांस होता है कि कैंसर बन जाएगा, तो इसको कैंसर का एक आरंभिक लक्षण मान सकते हैं। और यदि मुंह खुलना बंद होता जा रहा है तो तुरंत तंबाकू वगैरह का सेवन छोड़ देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जो लोग तंबाकू खाते हैं या जो लोग इस तरीके के पदार्थों का सेवन करते हैं, उनमें क्या लक्षण ऐसा दिखाई दे कि उनको लगे कि हाँ, उन्हें कैंसर की प्रारंभिक स्टेज अब उनकी आ गई है? सबसे पहले लंबे समय तक तंबाकू खाने से मुंह के अंदर सफ़ेदी आने लगती है, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं। मुंह खुलना कम हो जाता है, या मुंह के अंदर कोई एक ऐसा छाला या घाव है जो कि लंबे समय तक रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा, या आपके कोई दांत हैं जो अपने आप हिलने लगे हैं बिना किसी कारण के, या मुंह के अंदर से खून आता है और कोई ऐसा घाव दिखाई नहीं देता, ये सब प्रारंभिक लक्षण हैं जो आपको सचेत करते हैं कि हमें कैंसर की जांच करवा लेनी चाहिए। या मुंह के अंदर सफ़ेद या लाल धब्बे हो जाएं, जिनको हम ल्यूकोप्लेकिया या रेथ्रोप्लेकिया कहते हैं, तो ऐसे धब्बे होने पर भी कैंसर होने का अंदेशा रहता है।
जी है डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल हर एक बीमारी जो कि एक ओल्ड एज में हम कहते थे होती थी, वो अब अर्लियर एज में हो जाती है, यंगस्टर्स में देखने को मिलती है, तो क्या मुंह का कैंसर भी बच्चों और यंगस्टर्स में देखने को मिल रहा है? मैंने अपनी प्रैक्टिस में 12 साल तक के लड़के के मुंह के कैंसर का ऑपरेशन किया है। कारण ये था, वो किसी ढाबे में काम करता था और 8-9 साल की उम्र से तंबाकू का गुटखा खा रहा था। तो उम्र इस चीज़ का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती, कैंसर इस चीज़ का लिहाज नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है। यदि आप लंबे समय तक तंबाकू या इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपको कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर सर्जन डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि आपको बता रहे हैं मुंह का कैंसर क्या किस कारणों की वजह से होता है, क्या कारण होते हैं मुंह के कैंसर होने के, ओरल कैंसर के मरीज क्यों आखिर बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एक कारण है तंबाकू का सेवन करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना। ये कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको बीमारी की तरफ ले जा रही हैं, आपको एक गंभीर बीमारी में डाल रही हैं, और एक ऐसी बीमारी जो कि कैंसर का रूप लेती है और कैंसर जैसी बीमारी के नाम से आती है, वो बीमारी जो आपको हो सकती है। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बच कर रहें, इन सब चीज़ों से दूर रहें, तो कहीं ना कहीं आप मुंह के कैंसर से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते उनका भी ये कहीं ना कहीं मानना होता है कि हमने कभी तंबाकू नहीं खाई लेकिन फिर भी उनको मुँह का कैंसर हो जाता है। 100 में से 5 से 7 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में तंबाकू का सेवन नहीं किया होता लेकिन मुँह के कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। इन सब में सबसे मुख्य कारण रहता है या तो आपका कोई पैना दांत होता है जो आपकी जीभ या गाल को लंबे समय तक छील रहा है, या आपने डेंचर लगाए हुए हैं जो ठीक से फिट नहीं हो रहे और वो एक घाव बना रहे हैं। लंबे समय तक कोई भी घाव रहता है या रगड़ रहती है तो अल्टीमेटली वो नासूर बन जाता है और धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपसे अधिक जानकारी और लेंगे और ये भी जानेंगे कि मुंह का कैंसर से जो लोग पीड़ित हैं वो किस तरीके से अपना इलाज कराएं, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा दर्शकों एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के साथ यूं ही रहेगी चर्चा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं डॉली भाटिया। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि कैंसर सर्जन हैं और सन कैंसर सेंटर बाग फरजाना से यहां पर आए हुए हैं आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं। ओरल कैंसर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी को तमाम जानकारियाँ दी कि किस तरीके से ओरल कैंसर होता है, क्यों जन्म लेता है ओरल कैंसर और क्यों ओरल कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों को बताया ओरल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कोई छाला बना रहे तो ओरल कैंसर होता है, तमाम बातें हमने ओरल कैंसर के बारे में की, लेकिन अब वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी एक ओरल कैंसर का पेशेंट है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर उसे पता लग जाए तो? यदि आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, उसको ओरल कैंसर का शक है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको उसकी एक बायोप्सी लेने के लिए बोलते हैं। बायोप्सी से कैंसर कन्फर्म होता है और उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है। 2 तरह की जांचें होती हैं डायग्नोसिस में, एक तो कंफर्मेशन करने के लिए कि यही बीमारी है और कुछ नहीं है, उसके लिए बायोप्सी है। फिर दूसरी जांच होती है सीटी स्कैन की, जिससे पता चलता है बीमारी किन किन हिस्सों में फैली हुई है ताकि आगे इलाज प्लान किया जा सके। जी, तो डॉक्टर साहब जब बायोप्सी हो गई और आपने बताया सीटी स्कैन हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट की जब बारी आती है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट? मुँह के कैंसर का मेन ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जरी से होता है। 100 में से 90% तक मुंह के कैंसर बिना सर्जरी के नहीं ठीक हो सकते। तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में मुंह के कैंसर की सर्जरी होती है, और कुछ स्थिति में जब बीमारी ज़्यादा बढ़ी हो सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुख्य इलाज मुंह के कैंसर का सर्जरी ही है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से स्टेज 1 के पेशेंट देखते हैं? नॉर्मली जब बीमारी की शुरुआत होती है, एक ही हिस्से में छोटी सी बीमारी होती है तो उसको स्टेज 1 ट्यूमर कहा जाता है। जब वो उसी हिस्से में थोड़ी बड़ी हो जाती है तो 2nd स्टेज होती है। गले की गांठों तक आ गई तो वो लेट 2nd स्टेज और 3rd स्टेज बीमारी होती है।
इन तीनों स्टेज में इलाज सर्जरी और रेडियोथेरेपी के साथ हो जाता है। यदि बीमारी पूरे शरीर में फैल जाए तो उसको फोर्थ स्टेज या चौथी अवस्था का कैंसर होता है। इस स्थिति में समय बढ़ाने के लिए कुछ कीमोथेरेपी वगैरह दी जा सकती है, बाकी सर्जरी चौथी अवस्था में आमतौर पर नहीं की जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब, जब एक पेशेंट आया, उसने बायोप्सी कराई, सीटी स्कैन कराया, उसके बाद ट्रीटमेंट की बारी जैसे कि आपने बताया आई, तो जब एक बार ट्रीटमेंट या सर्जरी हो गई उसके बाद उसके मुँह का कैंसर खत्म हो जाता है, आगे इलाज होने के बाद व्यक्ति को फॉलोअप में रहना पड़ता है और स्टेज के हिसाब से क्योरेबिलिटी डिसाइड होती है। यदि पहली स्टेज के कैंसर का इलाज हुआ है तो 100 में से 90% लोग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, बीमारी दोबारा उन्हें तंग नहीं करेगी। सेकेंड स्टेज में ये फिगर 70% के लगभग होती है, थर्ड स्टेज में 60% के लगभग होती है। तो स्टेज पर डिपेंड करता है कि आगे जाके कभी बीमारी के दोबारा आने की संभावना क्या है। जी डॉक्टर साहब, सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है पेशेंट को सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद कोई विशेष सावधानियां नहीं है, वही हेल्दी लाइफस्टाइल जो पहले से अपनाना चाहिए था और किसी कारणवश हम नहीं अपनाते, तंबाकू, शराब, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। बाकी उसके अलावा ऑपरेशन के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल या नॉर्मल जीवन पूरी तरह जी सकते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जब तंबाकू की एक लत लग जाती है लोगों को खाने की, तब वो चाहते हुए भी उसे नहीं छोड़ पाते, फिर चाहे वो कोई भी नशीला पदार्थ हो, तो जब सर्जरी के बाद जब एक बार ठीक हो जाता है पेशेंट और दोबारा से वो कंटिन्यू करता है इन चीज़ों को, तो दोबारा उसे कैंसर होने की संभावना? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में कैंसर दोबारा भी हो जाता है और जनरली बहुत जल्दी हो जाता है और काफ़ी एग्रेसिव किस्म का कैंसर होता है जिसका किसी भी तरीके से इलाज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः अगर ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है, आपका ऑपरेशन हो गया है, आप ठीक हो, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, चाहे 2 साल हो जाएं, 4 साल हो जाएं, इनसे पूरी ज़िंदगी दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सर्जरी की आपने बात की, कितना खर्चा आ जाता है सर्जरी में अगर हम कैंसर की बात करें? आमतौर पर यदि हम देखें कि प्राइवेट में अगर इस चीज़ की सर्जरी होती है तो 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का मोटे तौर पर खर्चा आता है इस सर्जरी में। अनफॉर्चुनेटली हमारे आगरा में सरकारी सिस्टम में ये सर्जरी अभी उपलब्ध नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर आपने सर्जरी बताई, बच्चों में अगर मुंह का कैंसर है तो उनमें भी वही सेम सर्जरी और वही सेम प्रोसेस रहता है जैसा कि बड़ों में? प्रोसेस सेम है, बच्चों में और बड़ों में एक ही तरह की सर्जरी होती है क्योंकि उसका इलाज एक ही तरीके का है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब एक बार सर्जरी हो जाती है तब पेशेंट क्या हर बार आके डॉक्टर से कंसल्ट करे, क्या कितने टाइम बाद उसे फिर फॉलोअप? ऑपरेशन के बाद फॉलोअप में नॉर्मली मरीज को बुलाते हैं, पहले साल 1-1 महीने में चेकअप करवाते रहें, दूसरे साल 2-2 महीने में, तीसरे साल 3 महीने में, उसके बाद हर 6 महीने में एक बार चेकअप करवाना चाहिए। बिल्कुल, तो दर्शकों एक बार फिर से आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि कैंसर सर्जन हैं, जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं ओरल कैंसर को लेकर के, मुंह के कैंसर को लेकर। और डॉक्टर साहब ने बताया जब एक पेशेंट जो कि ओरल कैंसर का है, मुंह के कैंसर का एक मरीज है, तो उसको सबसे पहले बायोप्सी करानी चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर कंसल्ट, डॉक्टर के कंसल्ट से हर काम करना चाहिए, डॉक्टर के परामर्श में रहना चाहिए। उसके बाद सर्जरी की अगर बात आती है तो डॉक्टर साहब ने बताया किस तरीके से सर्जरी होती है, लेकिन सावधानियां आपको बरतनी है, जागरूकता आपको खुद लानी है। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर बात करें आपसे मुँह के कैंसर की, जैसे आपने बताया सर्जरी है, क्या सर्जरी के अलावा दवाइयों से भी ठीक हो सकता है कैंसर? दवाइयों से मुँह का कैंसर नहीं ठीक होता, बहुत ही अर्ली स्टेज है, बिल्कुल छोटा है, जिसको कहने 1 सेंटीमीटर से भी कम है, उस कुछ स्थिति में सिर्फ रेडियोथेरेपी दी जा सकती है। लेकिन सर्जरी के बिना 100 में से 90% मुंह के कैंसर नहीं ठीक होते, सर्जरी से आप नहीं बच सकते। जितनी जल्दी आप सर्जरी करवाएंगे उतनी सर्जरी छोटी होगी और आपके ठीक होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा भी पेशेंट आपने देखा है जिसके ऊपर जिसके साथ सर्जरी भी नहीं की जा सकती और फिर उसको क्या इलाज दिया जा सकता है? यदि चौथी अवस्था में कैंसर पहुंच जाता है जो बहुत फैला हुआ होता है, उस स्थिति में सर्जरी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति की सिर्फ तकलीफें कम करने के लिए कुछ दवाएं दी जा सकती हैं, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, और यही वो स्थिति होती है जहाँ हम कहते हैं कैंसर जानलेवा हो गया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से ही चौथी स्टेज का सामना मरीज को करना पड़ता है और कैंसर एक भयावह बीमारी के रूप में जो हम देखते हैं वो इसी चौथी स्टेज की वजह से सामने आता है। डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया है कि लोग कहते हैं कैंसर को पकड़ ही नहीं पाते, कैंसर पकड़ में नहीं आया, इस वजह से वो बढ़ता चला गया। ये बात मुँह के कैंसर के लिए बिल्कुल गलत है।
मुंह एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम रोज़ देखते हैं या हम खाना खाते समय उसको फील करते हैं, तो मुंह के अंदर कोई भी बदलाव होने पर हमें तुरंत पता चल जाता है और हम अपनी लापरवाही से उसे इग्नोर करते हैं, और अगर हम इग्नोर नहीं करें तो मुंह का कैंसर हमें टाइम से पता चल सकता है। ओरल कैंसर एक टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है। हम तंबाकू ना खाएं तो 100 में से 90% हमें होगा नहीं। उसके बाद हमें मुंह में पता भी जल्दी चल जाता है, हम टाइम से डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, तो ये जानलेवा वैसे भी नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर मुंह का कैंसर है, यानी जो पेशेंट मुंह के कैंसर के हैं, क्या उनमें कोई रेस्ट्रिक्शंस रहता है खाने पीन को लेकर के, मसालों को लेकर के या तली भुनी चीज़ों को लेकर के? यदि ऑपरेशन के बाद व्यक्ति की सिकाई हुई है तो वो अगले 2-3 साल तक ज़्यादा मसाले नहीं खा सकता, क्योंकि मुंह की खाल काफ़ी मुलायम हो जाती है और मसाले उसमें लगते हैं। लेकिन यदि सिर्फ ऑपरेशन हुआ है, सिकाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो खाने पीने का ऐसा कोई परहेज नहीं रहता, वो सब कुछ खा पी सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सन कैंसर सेंटर से आए डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि आपको बता रहे हैं किस तरीके से आप मुंह के कैंसर से बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और जो पेशेंट ओरल कैंसर के पेशेंट हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सर्जरी से पहले आप, जैसे आपने बायोप्सी बताई, सीटी स्कैन बताई, क्या कोई और टेस्ट भी कराते हैं? यानी कि अगर एक पेशेंट डायबिटीज़ का है तो उसके साथ में सर्जरी करना क्या मुश्किल रहता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुंह के कैंसर में और कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मरीज़ की ऑपरेशन के लिए फ़िटनेस के टेस्ट होते हैं, जैसे शुगर हो गया, उसका हेपेटाइटिस लेवल हो गया, कितना उसमें हीमोग्लोबिन है, ये सब हो गए, कोई उसको हार्ट डिसीज़ तो नहीं है, ये बेसिक ऑपरेशन के फ़िटनेस के टेस्ट रहते हैं। बाकी डायबिटीज़ को भी ऑपरेशन किया जा सकता है, बशर्ते डायबिटीज़ कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ को कंट्रोल करके उसमें भी ऑपरेशन किया जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को पता चला है कि उसे मुंह का कैंसर है तो तुरंत ही वो ऑपरेट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, तुरंत ऑपरेट हुआ, जितनी जल्दी ऑपरेट करवाएंगे उतना अच्छा रहता है। जी, नहीं तो डॉक्टर साहब, ये मुंह का कैंसर और किन किन पार्ट्स को अपने साथ ले लेता है? सबसे पहले मुंह का कैंसर आपके गले में गांठें पहुँचाता है, उसके बाद ये चींचे छाती में चले जाता है, फेफड़ों में, लंग्स में पहुंच जाता है, फिर बोन्स में पहुंच जाता है, अल्टीमेटली लास्ट में तो पूरे शरीर में ही फैल जाता है। जी, तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऑपरेट करना भी, और फिर इलाज करना भी बहुत मुश्किल रहता है। डॉक्टर साहब, एक हमने चीज़ देखी हमारे समाज में, जब हम लोग बैठ कर सब साथ में खाते हैं पीते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को बीमारी है और वो भी कैंसर जैसी बीमारी है, तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, एक दूर रहने की सलाह दी जाती है, बच्चे हों या फिर घर में ही एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, तो क्या ये मुँह का कैंसर भी फैलने वाली बीमारी है? मुँह का कैंसर या कोई और भी कैंसर हो, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर के सेल्स यदि मेर से आपके अंदर भी जा रहे हैं तो आपकी बॉडी उनको रिजेक्ट कर देगी, वो सेल्स मर जाएंगे। ये किसी वायरस या उसकी वजह से नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल गया। इसलिए कैंसर के मरीज़ के संग किसी भी तरह का छुआछूत या भेदभाव ठीक नहीं है। घर में वो सभी बच्चे बड़ों के संग बैठ सकते हैं, साथ खा पी सकते हैं, इससे किसी दूसरे को कैंसर होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट कैंसर से पीड़ित नहीं है या एक नॉर्मल पेशेंट है, तो वो किस तरीके से सावधानी बरते कि उसे इस तरीके की बीमारी का सामना ना करना पड़े? सबसे ज़रूरी है हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। किसी भी प्रकार के नशे जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, धूम्रपान, शराब आदि से बचें। यदि हमारे मुँह के अंदर किसी पहने दांत वगैरह की वजह से कोई घाव लगातार हो रहा है तो उस दांत को घिसवा लें या निकलवा लें। डेंचर अच्छी क्वालिटी के पहने जो कि अच्छे से फिट हो रहे हों, रगड़ नहीं करते हों, और मुंह के अंदर कोई भी छाला या चीज़ 1 महीने से ज़्यादा हो तो वो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। बिल्कुल, तो इनके साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि कैंसर सर्जन हैं, सन कैंसर सेंटर से यहाँ पर आए हुए हैं आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से कैंसर की बीमारी से आप बच सकते हैं। आज हमने चर्चा किए डॉक्टर साहब से, जाना कि किस तरीके से ओरल कैंसर के पेशेंट आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आखिर ये बीमारी बढ़ रही है, तंबाकू, सिगरेट, इस तरीके के पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन ये आपकी बीमारी को बढ़ा रहा है, आपको और भी बीमार कर रहा है और कैंसर की बीमारी को जन्म दे रहा है, तो इन सभी चीज़ों का त्याग करिए। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, इस शो में आप आए हैं तो दर्शकों को आप एक छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी भी प्रकार के नशे से बचें और कैंसर की जाँच में बायोप्सी से ना घबराएं। बायोप्सी होने से कैंसर नहीं फैलता है, उल्टे इससे सही टाइम पर डायग्नोसिस हो पाती है और इलाज हो पाता है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना खास ख्याल। नमस्कार।